कविता कौशिक टेलीविजन जगत का एक बड़ा नाम है। कविता ने टेलीविजन में अपने करियर की शुरुआत साल 2001 में आए सीरियल कुटुम से की थी। इसके बाद उन्होंने कई टीवी शोज में भी काम किया, लेकिन कविता को टीवी के कॉमेडी शो FIR ने घर घर में पहचान दिलवाई। इस शो में कविता ने लगभग 10 साल तक काम किया और शो के द्वारा उन्होंने टीवी पर महिलाओं की एक मजबूत छवि को भी दिखाया। कविता कौशिक को टीवी की बेबाक और बिंदास एक्ट्रेस कहा जाता है। ट्रोलिंग हुई या फिर सवालों के जवाब, कविता कौशिक हर किसी को बेफिक्र होकर जवाब देती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर उन्होंने एक यूजर को ऐसा जवाब दिया कि वो यूजर सुसाइड करके मुंह दिखाने लायक भी ना बच पाए। इस जवाब के बाद कविता की भी तारीफ हुई। हाल ही में कविता कौशिक ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया। इस फोटो में एक्ट्रेस का अंदाज काफी बोल्ड और वो काफी खूबसूरत भी लग रही थी। इस फोटो के साथ कैप्शन देते हुए कविता ने लिखा, मेरा कोई अपना आसमान में है जो अपने मुझे उड़ने के लिए पंख देता है। उनकी इस फोटोज को कुछ लोग काफी पसंद कर रहे हैं, तो वहीं हमेशा की तरह कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोलिंग का निशाना भी बनाया। एक यूजर ने उनकी इस फोटो पर कमेंट करते हुए कहा, कविता बूढ़ी हो गई हो, उनकी बढ़ती उम्र का मजाक भी उड़ाया। कविता भी अब कहां शांत बैठने वाली। उन्होंने उस ट्रोलर को कुछ इस अंदाज में जवाब दिया कि लोग उनकी वाहवाही करने लगे और यूजर्स का जो हाल हुआ वो देखने लायक था। उस यूजर ने पेज भी डिलीट कर दिया। कविता ने जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, भैया मैंने तो कोई लाल लगाम नहीं लगाई है, मेकअप भी नहीं किया है, बस थोड़ा सा लिप बाम किया है। यहाँ कविता रुकी नहीं, उन्होंने इसके आगे जो कहा वो देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। कविता ने आगे लिखा, बूढ़ा तो आपका बाप भी होगा, माँ भी होगी, क्या करें वो, अब इस देश में उम्र का बढ़ना पाप है क्या? ये तालीम दोगे कि इस DP पर जो आपने बच्ची की फोटो लगाई है, क्या वो 40 के बाद जी नहीं पाएगी? कविता ने साफ कह दिया कि आप अपनी बेटी को खुद 40 के बाद मार देना चाहते हो, क्योंकि वो भी तो एक ना एक दिन बूढ़ी होगी तो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, उसे अपनी जिंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं होगा तुम जैसे लोगों के सामने। कविता कौशिक के इस बेबाक जवाब ने सोशल मीडिया पर उनके फैंस के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। लोग ट्रोलर्स को दिए उनके शानदार जवाब की तारीफ करते नहीं थक रहे। इस तरह से कविता ने ट्रोलर्स को जवाब दिया, उनका वो अंदाज लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। एक यूजर ने कविता की तारीफ करते हुए लिखा, वाह वाह, मेरे हिसाब से एकदम कड़क जवाब दिया, उनको ट्विटर डिलीट कर देना चाहिए, आगे कमेंट करने से पहले 100 बार सोचेगा। कविता कौशिक जब से बिग बॉस 14 करके आई हैं, उनकी छवि कई लोगों के मन में बिल्कुल ही अलग बन गई है। वो जब भी कोई फोटो शेयर करती हैं तो उनको नापसंद करने वाले लोग उन्हें ट्रोल करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हालांकि कविता भी उन ट्रोलर्स का जवाब बड़े ही शानदार तरह से देती हैं, वो भी अपने जवाब से ट्रोलर्स की बोलती बंद कर देती हैं। तो आपको कविता कौशिक की ये बदली छवि कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। खूबसूरती बॉलीवुड की शान है और एक तरह से कह सकते हैं कि तब तक ही स्टार्स का करियर है। जब तक खूबसूरती रहती है तब तक एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचा सकती हैं। जैसे जैसे खूबसूरती खत्म होने लगती है वैसे वैसे स्टार्स भी इंडस्ट्री से गायब होने लगते हैं। अब बढ़ती उम्र को तो कोई रोक ही नहीं सकता, ये बात हर किसी को अच्छी तरह से समझ में भी आती है और समझना भी चाहिए। एक ना एक दिन तो हर किसी को बूढ़ा होना ही है, फिर वो करीना, करिश्मा, दीपिका, सारा, जानवी कोई भी हो। लेकिन ये बात शायद इनके स्टार्स के फैंस बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तरह से उन्हें इन स्टार्स को जवा देखने की आदत पड़ जाती है। ऐसे में जब ये स्टार्स को बिना मेकअप या फिर उनकी बढ़ती उम्र पर फोकस डालते हैं तो चौंक जाते हैं। हालांकि ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ स्टार्स लोगों की इन बातों से डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं, जैसा कि इस वक्त करीना कपूर के साथ हो रहा है। सबकी बेबो यानी करीना कपूर इस वक्त अपनी बढ़ती उम्र की वजह से लोगों के भद्दे कमेंट्स का सामना कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि करीना कपूर अपनी ग्लैमर से लेकर अपनी पर्सनल और फैमिली के साथ फोटो शेयर करती रहती हैं। जब करीना ने अपना योगा करते हुए फोटो शेयर किया तो वो बुरी तरह फंस गईं। उस फोटो में उनका बुढ़ापा साफ दिखाई दिया। लोगों को तो ट्रोल करने का मौका ही मिल गया, लोगों ने उन्हें फीमेल रणधीर कपूर तक कह दिया। किसी ने तो करीना कपूर को साफ साफ बुढ़ी बोल दिया। अब ये बात सुनकर यकीनन
करीना से लेकर उनका परिवार भी दुखी हो गया होगा, क्योंकि बुड्ढी शब्द किसी को भी सुनना पसंद नहीं है। लेकिन इसे छुपा भी तो नहीं सकते और न ही इसमें किसी का दोष है। हालांकि करीना अभी 40 साल की हैं, जबकि उनके पति सैफ अली खान 50 साल के हैं। लेकिन यहाँ करीना को उनकी उम्र के लिए अक्सर ट्रोल किया जाने लगा है। इससे पहले भी करीना कपूर खान ट्रोल हो चुकी हैं। एक बार तो लोगों ने उन्हें होठों के लिए ट्रोल किया था। वैसे ट्रोलर्स कितना भी खुश क्यों ना हो ले, करीना कपूर खान बिल्कुल उन पर ध्यान नहीं देती हैं और ना ही उन्हें भाव देती हैं। वो एकदम दरकिनार करते हुए अपना जीवन जीती हैं और मस्त मौला रहती हैं। करीना कपूर खान के वर्क फ्रेंड की बात करें तो वो लाल सिंह चड्ढा, तख्त और वीरे द वेडिंग 2 जैसी फिल्मों में नजर आएंगी। तो आप भी करीना कपूर खान की उम्र को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस करिश्मा कपूर आज भले ही इंडस्ट्री से कोसों दूर हैं, लेकिन अपने स्ट्रगल और पर्सनल लाइफ को लेकर वो हमेशा चर्चा में रहती हैं। यही वजह है कि करिश्मा कपूर दूर रहकर भी सबके दिलों में बसी हैं, और इसका सबूत तो आज आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। कई ऐसे किस्से भी हैं जिन्हें शायद वो याद करना भी नहीं चाहती हैं। एक ऐसी काली रात जब उन्हें प्रेगनेंसी के वक्त मार खानी पड़ी थी। ऐसा वक्त था जब उनका मन खुद सुसाइड करने को हो रहा था, लेकिन वो अपने पेट में पल रहे बच्चे की वजह से रुक गई थी। चलिए बता दें मैं आपको करिश्मा कपूर का वो किस्सा। इंडस्ट्री का नामी खानदान रणधीर और बबीता कपूर के घर में करिश्मा कपूर ने जन्म लिया था। करिश्मा का निक नेम लोलू है। वो जब बॉलीवुड में रही सिल्वर स्क्रीन पर छाई रही। करिश्मा ने जब फिल्मों में एंट्री की थी तब उनकी उम्र करीब 15 साल थी। एक्टिंग के लिए करिश्मा ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। 1991 में उनकी पहली फिल्म प्रेम कैदी रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन आमिर खान के साथ आई फिल्म राजा हिंदुस्तान ने उनकी किस्मत ही बदल दी थी। इस फिल्म के बाद तो करिश्मा ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। हाल ही में करिश्मा को बॉलीवुड में 30 साल पूरे हुए। करिश्मा की मशहूर फिल्मों में राजा बाबू, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, राजा बाबू, हीरो नंबर 1, बेबी नंबर 1, दुल्हन हम ले जाएंगे, हम साथ साथ हैं, दिल तो पागल है, जिगर और अनाड़ी जैसी कई फिल्में शामिल है। और साल 2002 में करिश्मा कपूर पर तब पहाड़ टूटा जब उनकी सगाई अभिषेक बच्चन से टूट गई थी। जया बच्चन ने मीडिया को अपनी होने वाली बहू से मिलवाया भी था, लेकिन आगे चलकर ये सगाई टूट गई। इस सगाई टूटने की वजह तो नहीं बताई, लेकिन इसके बाद करिश्मा ने दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली। इसके बाद वो फिल्मी दुनिया से ही दूर हो गई और यही फैसला करिश्मा कपूर को भारी पड़ गया। संजय कपूर से उनकी शादी 11 साल चली। इस तलाक के बाद करिश्मा और संजय दोनों की तरफ से एक दूसरे पर खूब इल्जाम लगाए गए। करिश्मा ने तो ये तक कहा कि हनीमून के दौरान संजय कपूर ने उनकी बोली लगाई थी। तलाक के बाद करिश्मा ने अपनी सास और पति पर भी हैरान कर देने वाले आरोप लगाए थे। करिश्मा ने इंटरव्यू में बताया था कि जब हम हनीमून पर गए थे तो संजय ने मेरी बोली अपने दोस्तों से लगाई थी। उसने मुझसे अपने दोस्तों के साथ एक रात बिताने के लिए मजबूर किया। वहीं संजय ने आरोप लगाया कि करिश्मा ने उनसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। करिश्मा ने कहा था कि जब चीजें मेरे हाथ से बिल्कुल निकल गई और मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, तब मैंने पुलिस में कंप्लेन की।